फ्रेंड्स, मिस्टर होममेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। गाजर की खीर सबको बहुत टेस्टी लगती है, तो सबसे पहले उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे क्या क्या चीज़ चाहिए हमें इसमें डालने के लिए। गाजर की खीर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम 250 ग्राम हमने गाजर ली है। उसके बाद हम लेंगे एक कटोरी चावल पानी में भिगा हुआ, करीब एक घंटा पहले हम इसको पानी में भिगो देंगे। एक कटोरी चीनी, 2 चम्मच घी और 1 किलो दूध। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, 1 चम्मच के करीब हम घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। हमारा घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम क्रश की हुई गाजर डाल देंगे। हमारे पास करीब 250 ग्राम क्रश की हुई गाजर है, इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। धीरे धीरे से चलाते रहिए। जब तक हमारी गाजर यहाँ पर फ्राई हो रही है, दूसरी साइड हम राइस को बॉईल कर लेते हैं। जो हमने राइस ये पानी में भिगो कर रखे हैं, करीब एक घंटा पहले राइस को कुकर में डाल दें। इसमें आप करीब 1/2 ग्लास पानी डालें। ग्लास पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। सिर्फ हम एक ही विसल लगवाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी कैरेट का कलर चेंज हो रहा है। हमने हल्की सी फ्लेम में इसको 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अब हमारी जो कैरेट्स है उनका पानी सारा सीख गया है। हम अगर एज इट इज ही दूध में चावल और ये गाजर डाल देंगे तो जो गाजर का टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमने पहले इनको हल्का सा फ्राई करा है। तो ये इसका सारा पानी सूख गया है, इसलिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्रेंड्स, हमारे कुकर की एक विसल आ चुकी है, हम गैस को ऑफ कर देंगे फ्लेम को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैरेट पूरी तरह से रेडी है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। राइस हमारे बॉयल हो चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। फिर से फ्लेम ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे, कुकर में हम दूध डाल देंगे। अगर हमारी कैरेट्स 250 ग्राम है तो हम 1 किलो के करीब दूध डालेंगे। जो हमने बॉइल्ड राइस करे थे वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने जो कैरेट्स फ्राई करे थे वो भी हम सारा मिक्स कर देंगे, डाल देंगे इसमें पूरा। अब इसको चलाएंगे। देखिए, सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। जब तक दूध में एक बॉईल नहीं आता तब तक हम फ्लेम को तेज रखेंगे। जब दूध में एक बॉईल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दें। मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए इसी मिक्सचर को पकने दें। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी पुडिंग बिल्कुल बनके रेडी है। इसमें लास्ट स्टेप जो है वो हमने जो चीनी रखी हुई थी वो सारी चीनी डाल देंगे इसमें। 1 कटोरी के करीब चीनी अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। 2 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पुडिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो अब ये ऑप्शनल है। तो एक सजेशन मेरी सबसे है कि जो मौसम के फल या सब्जियां होती हैं वही खाएं, मौसम के बिना फल या सब्जियां ना खाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।